बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और ये उस वक्त बॉलीवुड की एक दिलकश अदाकारा। दोनों के बीच रोमांस जिंदा हुआ, लेकिन इस रोमांस का दी एंड ऐसा हुआ कि किसी ने सोचा भी नहीं था। प्रीति जिंटा और नेसबाडिया के बीच 2004 और 2005 में दोस्ती हुई। फरवरी 2005 में प्रीति जिंटा ने सबसे पहली बार मीडिया के सामने ये एक्सप्रेस किया कि वो रिलेशनशिप में हैं और बिजनेसमैन नेसबाडिया को डेट कर रही हैं। इसके बाद प्रीति जिंटा और नेसबाडिया का रिलेशनशिप पूरे बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड के सामने जाहिर हो गया। दोनों ने फंक्शंस में भी एक साथ हाथ पकड़कर एंट्री करना शुरू कर दिया। चाहे वो ऐश्वर्या अभिषेक की शादी हो या फिर नेसबाडिया का प्रीति जिंटा के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखना हो, प्रीति और नेस के रिलेशनशिप को लगभग 3 साल हो गए। 2008 में दोनों ने अपने रिश्ते के साथ साथ बिजनेस को भी इन्वॉल्व किया, जब दोनों ने 2020 की टीम को खरीदा। हालांकि उस वक्त नेसबाडिया की मदर का एक कमेंट मीडिया को हैरान कर देने वाला था, जब उन्होंने कहा, आई डोंट केयर इवन इफ नेस गेट्स मैरिड टू अ ज़ेब्रा। दोनों का रिश्ता एक और साल बहुत अच्छा चला। साल 2009, मुंबई के एक टैब्लॉइड में खबर आई कि नेसबाडिया ने एक पार्टी में सबके सामने प्रीति जिंटा को थप्पड़ मारा। ये खबर दोनों के बीच हुए डिफरेंसेस की मीडिया के सामने पहली न्यूज थी। हालांकि इसके बाद दोनों ने पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट किया कि अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। हालांकि ब्रेकअप दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था, इसके बाद भी दोनों बिजनेस पार्टनर्स बने रहे। जून 2013 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में प्रीति जिंटा ने एक्सेप्ट किया कि वो आज भी दोस्त हैं। टुडे नेस एंड आई आर स्टिल पार्टनर्स इन आवर क्रिकेट टीम, वी आर फ्रेंड्स। लेकिन अब ये दोस्ती का रिश्ता दोस्ती का भी नहीं रहा, क्योंकि प्रीति जिंटा ने नेसबाडिया के अगेंस्ट पुलिस में केस फाइल किया है और इस हाई प्रोफाइल केस पर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है।